music video, the entire choreography, and amazing stars who actually worked very hard in the choreography. And thanks to Danish for this opportunity. And it was an amazing experience to work with such wonderful people, and the director, of course, Asghar Lai, you're so cool. Thank you. 50 million, how many million? Aajkal wo million bahut chal raha hai na. पंजाबी हिप हॉप हिंदी इस तरह का गाना जब मेरे पास आया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मुझे इसका लिरिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आए थे बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी टू मच. तो मैंने दानिश से ये पूछा कि इसका मतलब मुझे समझाओ. मतलब समझने के बाद मैंने सोचा इसका क्या कॉन्सेप्ट बना जाए. देन वी डिसाइडेड टू कीप इट वेरी इंटरनेशनल. हमने सोचा कि इस गाने को थोड़ा इंटरनेशनल फील रखें. और अगर आप देखेंगे गाना बिल्कुल हिंदी और पंजाबी लिरिकली है, लेकिन इसका जो वीडियो शूट हमने किया है वो बहुत ही इंटरनेशनल पैटर्न में, नियॉन लाइट्स के साथ, ब्लिंकर्स के साथ, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करी हैं जो इंटरनेशनल वीडियोज में यूज़ होती हैं. और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी हैं यहाँ के, लेकिन लग इंटरनेशनल रहे हैं. तो हमने ये भी ध्यान दिया कि ऐसे ही एक्टर्स को लें जो इंटरनेशनल लगे. और मेरे को उम्मीद है कि ये गाना इंडिया में और इंटरनेशनली भी चले. मुझे पहली बार तो बहुत मज़ा आया. मैंने जैसी पहली बार ये गाना सुना, मतलब मेरे दुबाव पे था वो. मतलब यू नो कोई गाने ऐसे रहते हैं जो बहुत ही पैपी होते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है वो सुनने में. आई एम श्योर दिस इज वन ऑफ दो सॉन्ग्स. और आई रियली लाइक द वे हाउ असलम सर हैज शॉट द सॉन्ग. इट्स रियली नाइस एंड इट लुक्स वेरी इंटरनेशनल. इट हैज अ वेरी हिप हॉप वाइब एंड जय हैज कोरियोग्राफ्ड इट ब्यूटिफुली. बिन इज लुकिंग अमेजिंग इन इट एंड आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट द सॉन्ग. सो आई थिंक शी इज लुकिंग द बेस्ट. दैट्स व्हाई शी इज टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी बट शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ. यस सो दैट्स व्हाई. थैंक यू सो मच. या वेल इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. द सॉन्ग द व्हाट टू से मैन. आई एम जस्ट लविंग द सॉन्ग. कि मैंने पूरा गाना अभी सुना है और यू नो शूटिंग के दौरान जब हम शूट कर रहे थे उस वक्त भी बहुत मज़ा आ रहा था. असलम, एंजेलिना, पूरी टीम इतने सपोर्टिव थे सब लोग. बहुत मज़ा आया शूट करने में. पता भी नहीं चला अभी कैसे हमने 12-14 घंटे शूट किया, पता भी नहीं चला. और स्पेशली वो जो हुक स्टेप है ना उसका, वो आई लव दैट हुक स्टेप. और एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ बिग हिट. के साथ एक ऐसा सॉन्ग बना रहे हैं कि सब लोग उसको याद करें. तो जो मेरे दूसरे पार्टनर हैं प्रीतेश, उसने बोला सॉन्ग वॉज अमेजिंग, एक बार सुन के देखो अच्छा लगेगा. तो जब हमने फिटे मुँह सॉन्ग सुना और उसका सिग्नेचर स्टैप, इट वॉज अमेजिंग. सो आई थिंकिंग कि ये सॉन्ग बहुत अच्छा जाएगा और हमारे प्रोडक्शन इसी तरह सॉन्ग पे सॉन्ग बनाते रहेगा. ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. सारी टीम, एक्सपीरियंस टीम, और they know their job, what they are doing actually. This song is very close to me because from the scratch I have worked on this project and time jaise hi hota gaya to sare judte gaye and I was very lucky. I got good producers, good artists, good music directors, good director Aslam. He has done amazingly great job and I'm looking forward ki ye gana super nahi super nahi super super so usse bhi kahin duper hit hoga because this is the feeling. And kal aap log ye sab dekhenge 12 baje ZTV pe, YouTube channel Z Music. Yeah, so that's it. I'm very excited about it and thank you very much. डिसाइड कर रहे थे किसको लें. सो व्हेन विंस प्रोफाइल केम एंड एंजीज प्रोफाइल केम, आई थिंक ऐसे दो फेसेस दिखे जो इंटरनेशनल मार्केट में भी मैं बार बार इंटरनेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है बोलते हुए, क्योंकि अभी तक सारे गाने मेरे सिर्फ नेशनल मार्केट में ही चले. तो चाहता हूँ कि इंटरनेशनल में भी कुछ चले. तो like you know if you look at both of them actually they do look like guys from like you know not India, so that's a good thing for us. Aur ab iske baad hum log kuch English gana bhi plan kar rahe hain dono ke sath. Naam thoda badal jayega mere khayal se uska. So fitte face hoga uska naam, muh ki jagah fitte face. यार असलम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और
गाना रिलीज हुआ है और बहुत अच्छा गाना मुझे लगा फिटे मो, बस गाना चले यही मेरी दुआ है और मैं हमेशा दोस्तों के साथ खड़ा रहता हूँ, आज भी खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँ। इधर ये कहना चाहूँगी आज के समय में काफ़ी देश में परिवर्तन आया है, कुछ परिवर्तन देखेंगे कि जैसे कश्मीर का 370 का मुद्दा है या काफ़ी सारे परिवर्तन है, इसका क्या कहना चाहेंगे कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है देश के लिए वो सब परिवर्तन? अरे यार मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि देश के लिए कुछ अच्छा हुआ है। अगर हमें ऐसा लगता है कि कश्मीरी हमारे भाई है तो एक कश्मीर को एक महीने से लॉकडाउन कर दिया गया है, अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई लोग बात नहीं कर पा रहे। दिल्ली में कश्मीरी रह रहे, भोपाल में रह रहे, वहाँ से अपने बच्चों से बात नहीं हो पा रही, किसी से नहीं हो पा रही, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। आप अपनी राजनीति करिए लेकिन ये लोगों पे इतना जुल्म, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बस यही कहूँगा मोदी जी, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश वालों की बड़ी उम्मीदें हैं आपके साथ। आप अपने जन्मदिन पे सर आज एक कसम खाइए कि आपने जो 15 लाख रुपए देने का हमें वादा किया है वो आप हमें दे दो। दूसरा, हमारे देश के विकास की आपने कसम खाई थी सर, हमारा विकास कर दो। और सर तीसरा, हमें जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटा जा रहा है वो ख़त्म कर दो। हमें जो छोटा ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण, छोटा क्षत्रिय बड़ा क्षत्रिय, छोटा दलित बड़ा दलित, शिया सुन्नी, ये सारे मसले जो देश में चल रहे हैं सर, इससे देश नीचे जा रहा है सर। खैर आपको तो पता ही होगा सर, पहले देश कहाँ था और अब देश कहाँ है सर। सर हाल ही में मलाड में सोसाइटी में इशू हुआ था कि एक मुसलमान की बच्ची थी तो उनके साथ सोसाइटी के लोग खेलने के लिए मना करते थे, लेकिन बाद में सोसाइटी के लोगों ने, आपने न्यूज़ ही पढ़ा होगा, मुंबई मिरर का फर्स्ट कवर पेज, कितनी अच्छी बात है ये कि एक सोशल सेकुलर थिंकिंग है लोगों की यहाँ पे। यार हम सब सेक्युलर है यार, तुम देखो तुम्हारा नाम क्या है? प्रभात। मेरा नाम एजाज है, तुम मुझे इंटरव्यू मांग रहे हो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सेक्युलर हो गए हम लोग, ये सिर्फ कौन कर रहा है? राजनीति वाले लोग, जो देश के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये उनका काम है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हो मोदी जी, मैं आपसे कहूंगा कि मैं, मेरी ऑफिस में मेरी कुछ दोस्त है जो आई, जिनको यहाँ पे बंबई में ना रहने को घर है, उन्हें पीजी नहीं मिलता, उन्हें घर नहीं मिलता। दिल्ली में मैं कुछ लोगों जानता हूँ जो लड़कियों, तो आप कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़कियों का हक कहाँ है सर? अगर छोटे शहर की लड़की बड़े शहर में मेट्रो सिटी में आके काम करती है और उसे रहने को घर नहीं है तो कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सर सबसे पहले आप छोटे मुद्दे को देखिए, क्या है ना सर, आप बात बहुत करते हैं सर, अब काम करके दिखाइए सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये सबसे बड़ा मुद्दा एजाज खान ने दिया है और इसमें देश की सारी बेटियां मुझे बहुत बहुत सहमति से सहमत, मतलब मेरे को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, लड़की ये स्कर्ट नहीं पहन सकती, लड़की वहाँ नहीं जा सकती। अरे लड़कियों को घर नहीं है, क्यों नहीं है भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, तो क्यों एक लड़की अकेली नहीं रह सकती, क्यों नहीं रह सकती? इसका जवाब मोदी जी आप मुझे दीजिए प्लीज़।